नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। काफी दिनों के बाद एक बार फिर से रीवा में कोरोना ने दहशत दी है। दहशत, जी हाँ, दहशत वो इसलिए कि एक बार फिर से विस्फोट हुआ है। बीच में ऐसा लग रहा था कि रीवा से कोरोना खत्म होने के कगार पर है। आज 33 मरीज मिले हैं, 33, जी हाँ, 33 का आंकड़ा काफी बड़ा होता है। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से ये आंकड़े हैं। हनुमना में आज 20 मरीज मिले, मऊगंज में 4, रीवा में 3, गोविंदगढ़ में 2, त्योथर में 2, रायपुर सिरमौर में 1, टोटल 33 मरीज। माना जा सकता है रीवा में ये आंकड़ा 2500 को पार कर गया है, 2519। आज एक मौत भी हुई है, इसको मिलाकर अभी तक रीवा में 30 मौतें हो चुकी हैं। एक अच्छी खबर यह है कि 42 लोगों को आज कोरोना ने छोड़ दिया है, इसका मतलब वो अपने घर की ओर रवाना हो गए हैं। 168 व्यक्ति अभी भी अस्पतालों में कोरोना का इलाज करा रहे हैं। अगर बात की जाए प्रदेश की, मैं ले चलता हूं आपको प्रदेश की ओर। प्रदेश में बात की जाए तो इंदौर 33,953 के साथ नंबर 1 पर बना हुआ है। वहीं भोपाल 24,492 मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर है। जबलपुर 12,727 लोगों के साथ तीसरे नंबर पर है। इनका क्रम लगातार बरकरार है। अब आपको लेकर चलता हूं रीवा जिले में, या यूं कहें रीवा संभाग में। पहले आपको बताता हूं शहडोल। शहडोल इस समय 13वें नंबर पर है, वह अभी 2500 का आंकड़ा पार कर चुका है। 2582 पेशेंट अभी वहां पर मौजूद हैं। अगर बात रीवा की जाए तो रीवा 15वें नंबर पर है 2519 पेशेंट के साथ। सतना 2249 पेशेंट के साथ 18वें नंबर पर है। सीधी और सिंगरौली 1358 पेशेंटों के साथ 36वें नंबर पर है। कहा जा सकता है जिस तरीके से रीवा में कोरोना ने दस्तक दी है, और ऐसा लग रहा था कोरोना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन आज एक बार फिर से 33 लोगों ने कोरोना पॉजिटिव होकर यह बता दिया है अभी कोरोना इस जिले से गया नहीं है। लोगों को लगातार सावधानी बरतने की जरूरत है। अब देखना होगा यहां के लोग किस तरीके से सावधानी बरतते हैं। अगर सावधानी नहीं बरती तो जैसा कि माना जा रहा ठंड के मौसम में कोरोना और बढ़ेगा। ये अगर ऐसा हुआ, वैज्ञानिकों की ये बात में दम है, तो फिर ये मान लीजिए रीवा के लिए आने वाला वक्त, या यूं कहें पूरे प्रदेश के लिए आने वाला वक्त कतई अच्छा नहीं है। फिलहाल अभी आपको सावधानी बरतनी, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना है। लेकिन ये देखा जा रहा है बाजारों में जिस तरीके से चहल पहल है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से कोरोना घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।